सर कैची पकड़ कर रखी है, हमने फोटो भी लिया ऊपर देखिए प्लीज का रोटरी को ऊपर देखिए मास्क हटा लो। थैंक यू। एसपी वाल्सन सर, एसपी साउथ सर, कुछ कोई इशू नहीं है। हुआ क्या है कि सरकार मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टल बैलेट के लिए अथराइज है। पोस्टल बैलेट उन्होंने अप्लाई किया, 14 तारीख को इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ, 15 को निकल जाना था क्योंकि वहाँ पर हमें रिपोर्टिंग कर करके इलेक्शन करवाना था, हमारी ड्यूटी लग चुकी थी और ये होम मिनिस्ट्री के आदेश पर फोर्स भेजी गई है। लगभग 950 के आसपास लोग गए, कुछ दिन ड्यूटी हुई, इसके बाद ये इन लोगों ने कहा कि हमें आकर के अपना पोस्टल बैलेट यहाँ कास्ट करना है। तो कास्ट करना है, फिर उसके लिए हुआ कि कैसे कास्ट हो, पोस्टल बैलेट यहाँ से जा नहीं सकता था, फिर उसमें एलिगेशंस आ जाती। सवाल है कि आपका पोस्टल बैलेट है, आप आइए, आप कास्ट करिए या ना कास्ट करिए वो आपकी मर्जी है, मुझे उससे कोई मतलब, मेरी फोर्स से कोई मतलब लेना देना नहीं है। हाँ ये कि आपने एक रिक्वेस्ट किया, वी हैव रिसीव्ड ईमेल्स, तो हमने एक ऑप्शन आपको दिया कि हम यहाँ से उन लोगों को भेजेंगे जो वोट दे चुके हैं। हाँ ये बात सर जरूर है, मैं उनके साथ सिंपैथी रखता हूँ क्योंकि इतनी लंबी जर्नी बस से थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन पुलिस की लाइफ इतनी आसान भी नहीं है। मैं खुद मिजोरम से होकर के आया हूँ, मैं या मेरे जो भी ऑफिसर हैं हम सभी गोलियों के बीच में काम किए हैं, हमने भी दिन रात नहीं देखी है, कभी खाना मिला है कभी नहीं मिला है, कभी भी हम बंकर में भी रहे हैं। तो पुलिस की लाइफ इतनी आसान नहीं है, हम कोई वो सिविलियन नहीं हैं जो हमेशा किसी अन्य चीज़ की उम्मीद करते हैं। ठीक है अगर महीने साल भर में एक दिन दो दिन दस दिन हमें ऐसी ड्यूटी आ जाती है तो हमारे जवान बिल्कुल तैयार उस चीज़ के लिए हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को कोई माफ करेंगे या उस चीज़ को वो कोई सीरियस लेंगे। अब आज ये भी वो पहुँच चुके हैं, लगभग इस समय वो क्रॉस कर रहे हैं, शिरडी क्रॉस कर रहे हैं अहमदनगर, कुछ देर में पूना आएंगे, इसके बाद गोवा आ जाएंगे, कल तक गोवा आएंगे, रिटर्न जनवरी में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम अपने टिकट से आना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, आप जैसे आ सकते हैं आप आइए। तो कुछ आए एयर से आ रहे हैं, कुछ ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये है कि एक मौलिक अधिकार है और आप कह रहे हैं कि हमको यूज करना है। हमने ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रेन हमको मिली नहीं, 9 तारीख तक लास्ट है, आप वोट दे सकते हैं, 10 के कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो ऐसे समय में प्रोग्राम इतना टाइट था कि दूसरा अरेंजमेंट हो नहीं सकता था। जरूर ये ऑडियल है मैं मानता हूँ, लेकिन पुलिस की, मैंने जैसे आपसे कहा कि पुलिस कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि हमेशा वहाँ पर आपको कुशन ही मिलेगा, ये 24/7 है, यहाँ आग भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ सब कुछ है। हम में से जब तक हम हार्ड पोस्टिंग नहीं करता है, अरुणाचल नहीं करेगा, मिजोरम नहीं करेगा, नागालैंड नहीं करेगा, टेररिस्ट एरिया में नहीं करेगा, हम भी प्रमोट नहीं होते हैं।
हमें से बहुत से लोगों की प्रमोशन रुक जाती है, और हमारी फोर्स का हर जवान इस चीज़ को जानता है। हमारी फोर्स बखूबी जा कर के उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अच्छी ड्यूटी निभा रही है, बूथ्स पर ड्यूटी कर रही है, वो इंटीरियर्स में। भारत एक है, भले हमने माना कि हम छोटे स्टेट के हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले और हमें सबको जानने का मौका मिले, तो सबसे बड़ा सुंदर इससे और क्या हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत ही सही। जहाँ तक अभी हाल में, मतलब कल हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इंटरनेशनल वुमेन डे पर ये सोचा गया कि हम बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी रखें, जहाँ पर कि माताएं बहनें अगर अपने बच्चों को लेकर के आती हैं तो कम से कम बच्चे खेल सकें, वो उनको देख सकें, और एक स्ट्रेसलेस, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, पुलिस फ्रेंडली होनी चाहिए। और इसको ध्यान में रख कर के रोटरी क्लब की मदद से ये हुआ कि इस चीज़ को हम करें और इसको पुलिस में लाएं। जहाँ तक कि आप जानते ही हैं कि क्राइम का सवाल है, आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है, लेकिन उसके हिसाब से क्राइम रिपोर्ट नहीं होता है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बहुत कुछ डिटेल में है इसके पीछे, लेकिन हमें एक ऐसी फ्रेंडली पुलिसिंग करनी है कि जहाँ पर कि महिलाएं हों, बच्चे हों, चिल्ड्रेन हों, बेटियां हों, बहनें हों, वो बड़ी सुरक्षित महसूस करें और अपने बच्चों के साथ आएं, ये उनका घर है, आकर के अपनी अगर कोई शिकवा है, शिकायत है, कोई चीज़ कहना चाह रही हैं, कोई सलाह है, तो उसको कहें और पुलिस उसके हिसाब से काम करेगी। इसके लिए हमने वुमेन पुलिस अलग से निर्धारित किया है, वुमेन पुलिस भी इसमें देखेगी, हिस्सा लेगी। जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैं उसमें वुमेन पुलिस स्टेशन ही है और वुमेन पुलिस के लोग हैं। तो इस चीज़ में कि पूरे गोवा पुलिस में मैं समझ रहा हूँ कि पहला पुलिस स्टेशन वास्को पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर कि ये क्रेच की फैसिलिटी लाई गई है, और इसी तरह की फैसिलिटी हम बाकी भी जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी लाएंगे। जैसे कि जो कोस्टल एरिया के पुलिस स्टेशन हैं, अभी टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट अपने बच्चों के साथ कंप्लेंट देना चाह रहे हैं, दे कैन नॉट कीप देयर चाइल्ड एट देयर होटल्स एंड देन दे विल कम टू लॉस दी कंप्लेंट्स, तो बेटर है कि ये फैसिलिटी रखी है। तो एक अवसर मिला पिछली बार मैंने देखा, तो मैं इनको एडवाइस किया कि इस चीज़ को हम ऐसे करें। और दूसरी चीज़ कि जब भी कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है, कोई फैकल्टी आती है, आजकल हुआ है क्या कि सारी चीज़ें बहुत हाईटेक हो गई हैं, एंड वी रिक्वायर रिसोर्स पर्सन हु शुड बी वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, लाइक साइबर क्राइम, लाइक सम एनी डिफरेंट क्राइम्स, फॉरेंसिक क्राइम्स। तो उसमें जब वो व्यक्ति आते हैं या वो रिसोर्स पर्सन आते हैं, तो वी कैन नॉट अफोर्ड सच हाई क्वालिटी ऑफ लग्जरियस लाइफ और टूरिस्ट एकोमोडेशंस। तो फॉर दैट पर्पज दिस हैव बीन मेड कि ट्रेनिंग कम गेस्ट फैकल्टी, जो कि पूरे वास्को डिवीजन के लोगों को ट्रेनिंग भी दे और यहाँ रहें भी, तो उस हिसाब से ये इसका ज़रूरत महसूस की गई है। और पणजी में है और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट परवरी में भी है, तो वास्को डिवीजन में नहीं ऐसी कोई फैसिलिटी थी, तो उसको इम्प्रूव किया गया है, जिसमें कि इन दोनों चीज़ों को शामिल किया गया है। लेकिन आज का जो मेन विषय है, जिसके लिए मैं आया हूँ, मेरे ऑफिसर आए हुए हैं, आईजी, डीआईजी एंड ऑल आए हुए हैं, वो ये है कि वास्को सिटी की कैसे हम सुरक्षित करें और 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी हम कैसे दें, इसके लिए है। पुलिस अपना काम करेगी, बट जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी व्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें कैसे करें। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक की है। आप देख रहे हैं कि एक ही आर्टरी रोड है और वो रोड पर दोनों तरफ पार्किंग्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त पार्किंग है, और जिसकी वजह से जगह नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें पार्किंग कहाँ करनी है, चौराहे पर कैसे हम काम करें, CCTV से हम क्यों नहीं वास्को सिटी को कर सकते हैं। हार्डली 3 किलोमीटर रेडियस की सिटी है, एंड वी कैन कवर वेल विथ फुल फ्लैश CCTV। और मैं कुछ लोगों का नाम तभी नहीं आपको डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन वो लोग मुझे अप्रोच किए हैं और उनके ही प्रोग्राम पर मैं आया भी हूँ। उन्होंने कहा है कि हम वास्को को
स्पॉन्सर करेंगे पूरी सीसीटीवी से करने के लिए। तो हमारे नीलेश राणे जो पहले यहाँ इंस्पेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम बनाई है एंड आई थिंक वी नीड सम 100-200 कैमरास और उसके साथ जो एलाइड नेटवर्किंग है। तो आज वही उसी मैटर के लिए हम आए हैं कि हर चीज़ पर हम वी कैन नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट और सम अदर एजेंसीज। अगर वहाँ के लोग इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हों तो सिटी को बहुत ही सुंदर और सुरक्षित किया जा सकता है। तो बेसिक चीज़ ये कि है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ डाइवर्सन, जो मेन डाइवर्सन यहाँ पर होना चाहिए, जो ट्रक का डाइवर्सन है, कुछ गाड़ियाँ मैगनीज और या कुछ ले कर जा रही हैं, दे शुड फॉलो देयर ओन रूट, वरना पूरी वाला रूट फॉलो करें, सिटी के अंदर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कुछ ट्रैफिक की जो सिचुएशन मैं इन लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। वास्को एक अच्छा सा पोर्ट टाउन है, अच्छा सुंदर नाम है वास्को डी गामा, एक लीगेसी है, इसको मेंटेन किया जाए। और जो लोग भी सबसे ज़्यादा बिजनेस हाउसेज वास्को डी गामा में हैं, तो सब लोग सुरक्षित महसूस करें, जो काम करने वाले छोटे हैं, बड़े हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, एयरपोर्ट है, एवरीबडी, रेलवे स्टेशन है, व्हाट मोर वी वांट? वी वांट कि एवरीबडी, एवरी थिंग्स मस्ट फील सेफ एंड सिक्योर, और फॉर दैट पॉलिसी इज देयर। तो इसमें जितना हमें पब्लिक कोऑपरेट कर सकते हैं, हम उनका कोऑपरेशन लेंगे। जो लोग हमें पीपी मोड पर भी कोऑपरेट कर पाएंगे, उनका भी हम सहयोग लेंगे और हम खुद अपना एक पैर आगे बढ़ा के चलेंगे, ट्रेन करेगा। हम नहीं जानना चाहते कि हमारी फोर्स का कोई भी जवान इस तरह से किसी तरह के अनुशासनहीनता करे। एक गलत हुआ है और होना नहीं चाहिए ऐसा, इसलिए केस भी दर्ज हुआ है, अरेस्ट भी हुए हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चलेगी। पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं है, लगभग हमारे पास 12,000 की यूनिफॉर्म मैन पावर है और पुलिस फोर्स की कोई कमी और नहीं। गैदरिंग्स में अवॉइड हो जाएगा, बिल्कुल अवॉइड रहेगा, और बहुत ही अच्छा चार्ज, अच्छी अरेंजमेंट होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इट विल गो वेरी पीसफुल। यही है कि सेफ एंड सिक्योर विद जीरो एरर, सिक्योरिटी विद जीरो एरर, मतलब वी वांट कि वास्को में हर चीज़ सुरक्षित रहे, सेफ रहे। आज वास्को सिटी के लिए यही प्रोग्राम है।